मैं आज आपको लेकर आई हूँ पुलिस लाइन, और पुलिस लाइन में क्यों लेके आई हूँ ये भी बताती हूँ। पुलिस लाइन में मातृशक्ति आंगनबाड़ी बहनों को गिरफ्तार करके रात के समय लाया गया है और उन्हें कहा जा रहा है कि वे यहाँ से जा सकती हैं। इनको गिरफ्तार करने का कारण बता देती हूँ, अभी बातें करेंगे हम महिलाओं से। बता दूँ आपको कि आज कैबिनेट थी तो महिलाओं को लगा कि उनकी समस्याओं के बारे में पुष्कर सिंह धामी की उत्तराखंड की प्रचंड बहुमत की 57-58 विधायकों वाली 3 मुख्य मंत्री वाली सरकार कुछ कार्य करेगी, परंतु कार्य करना तो दूर की बात, फैसले लेना तो दूर की बात, निर्णय लेना तो दूर की बात, मुख्यमंत्री जी इनको गिरफ्तार करवाते हैं। क्यों? महिलाएं आस लेके आई थी, मगर कैबिनेट के बाद इन्होंने मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच किया और इस कारण इन्हें सजा दी जा रही है। रात के समय मेरी बहनें कहाँ जाएंगी मुख्यमंत्री जी, ये आपको बताना पड़ेगा। पूरे राज्य की महिलाएं हैं, और कहीं पे भी चली जाएं, आपको उनकी सुरक्षा के बारे में कोई चिंता है या नहीं, ये मुख्यमंत्री जी ये आपको बताना होगा। महिलाओं को आप चाहते हैं कि वो सड़कों पे घूमे रात के समय? पूरे प्रदेश से आई हुई महिलाएं ये चाहते हैं आप? ये है आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? बेटियों की सुरक्षा से आपको कोई लेना देना नहीं। मैं आपको लेकर चलती हूँ जहाँ हमारी बहनें बैठी हुई, और आपको बता दूँ कि बहनें इस रात के समय में, और आप घड़ी में समय देख सकते हैं, इस समय यदि इन्हें यहाँ बैठना पड़ रहा है और राज्य का मुखिया कहता है कि चले जाओ जी, हमने गिरफ्तारी भी कर ली, अपनी कार्रवाई भी कर ली, अब आप चले जाओ, तो आप क्या कहेंगे ऐसे मुख्यमंत्री को? आखिर मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी क्या होती है? मुख्यमंत्री युवा ही सही, परंतु मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है लोगों की सुरक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा ये सरकार करेगी। जो सरकार इस रात के समय में महिलाओं को यहाँ छोड़ देती है और उनके बारे में उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, सुध भी नहीं लेती, अब क्या किया जाएगा? जी हाँ, ये है उत्तराखंड की प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की 55-56 विधायकों वाली 3 मुख्यमंत्री की सरकार, और ये भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी 3-3 प्रदेश अध्यक्ष दे चुकी है इस भाजपा के काल में, ऐसा चाल चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी का है। और आप समझ ही सकते हैं कि महिलाओं के प्रति इनके अंदर कितनी संवेदनाएं हैं। जी उपनल वालों को भी इन्होंने सिर्फ लॉलीपॉप दिया, मनमोहन सिंह चौहान जी आप सही कह रहे हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मेरे राज्य के मुख्यमंत्री देख सकें कि उन्होंने क्या किया है, और हम देख रहे हैं, जनता माफ नहीं करेगी। महिलाओं के बलिदानों से बने राज्य में महिलाओं का ऐसा अपमान नहीं सहेगा उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। इस बात को आप बेहतर तरीके से समझ लें। महिलाओं से बात करने के लिए अब मैं आपको उनकी तरफ ले जा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि कुछ पत्रकार उनसे बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। उत्तराखंड जो राज्य बना है वो मातृशक्ति की बदौलत बना है, मातृशक्तियों ने कुर्बानियां दी हैं, उन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, कई बहनों ने अपने पति खोए हैं, तो हमने क्या ये पृथक राज्य इसीलिए मांगा था कि आज हमारी ये दशा यहाँ पे हो जाए? आप एक तरह महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हैं, ये कैसा सम्मान आज मुख्यमंत्री जी आपने हमें दे दिया है?
हमने तो ये आपके विषय में हमने जो अपनी धारणा बनाई थी 7 तारीख को आपसे मिले थे, एक ये बनाई थी कि आप राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं, आपकी नई सोच होगी, आप मातृ शक्ति को साथ लेके चलेंगे, युवाओं को साथ लेके चलेंगे, लेकिन ये क्या हमारे साथ हो रहा है? मैं तो बिल्कुल मैं कुछ सोचने और समझने बोलने के पक्ष में ही नहीं हूँ कि हम क्या बोले आपके साथ, क्या तानाशाही हो गई? आप हमसे बताओ, आप कल आपने जनता के बीच आना है, उन्होंने क्या सारे नेताओं ने जनता के बीच आना है, इसी मातृ शक्ति के बीच आना है, इन्हीं से वोट रूपी आशीर्वाद मांगना है, और आज आपने हमारी ये हालत कर दी, आप बताइए कैसे जनता के बीच आए? तो ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस मातृ शक्ति ने पृथक राज्य के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, उसे अपना हक मांगने के लिए, अपना संवैधानिक अपना मौलिक अधिकार मांगने के लिए आज इस तरह से सड़कों पर इस तरह से परेशान होना पड़ रहा है। नवरात्रि का टाइम है, आज अष्टमी है, हम यहाँ पे जागरण करेंगे, हम चाहते हैं सभी को सद्बुद्धि आए, जब तक हमारी वार्ता नहीं होती हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे इसमें हमारी कई हजारों बहनें विगत 28 तारीख से तहसीलों में धरनों पर बैठी है, हम उनके हितों के लिए लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, और एक पहाड़ की बेटी होने के नाते मैं आज ऐलान करती हूँ कि जब तक सरकारें अगर झुकती नहीं, हमसे वार्ता नहीं करती है, हमारे पक्ष में फैसला नहीं देती है, हम यहीं रहेंगे। अगर नहीं देती है, हम तो ये भी कहते हैं कि आप आइए, अगर आप नहीं करना चाहते, आप सीधे बोलिए आप नहीं करेंगे, तो उसके बाद हम बोलते हैं हमें क्या करना है, हमारे पास फिर भी लोकतंत्र का एक अधिकार बचा है वोट देने का, फिर हम उस वोट से जवाब देंगे। तो सीधे सीधे जो अपनी बातें यहाँ पर स्पष्ट कर दी है कि हमें हमारा संवैधानिक अधिकार मिलना ही चाहिए, जो हमारी राशि उसको बढ़ावा होना चाहिए। वाकई बहुत दुख की बात है, दुख इसलिए होता है कि जब ये जानते हैं कि आज कैबिनेट में हमारा फैसला क्या जाएगा, जहाँ पर उपनल वालों को के लिए खुशखबरी होती है, अन्य लोगों के लिए खुशखबरी होती है, वहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों को उनका न्याय नहीं मिल पाता। और हमारे साथ मौजूद है सुजाता पॉल जी, जो कांग्रेस से और सोशल एक्टिविस्ट भी है, तो उनसे बात करेंगे। मैम क्या लगता है आपको, मैं भी चाहूंगा आपकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे जी। नहीं नहीं बिल्कुल, ये ज्यादा जरूरी है कि आप लोग आए, पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद भी देना चाहती हूँ, और ये जरूर कहना चाहूंगी कि आज जो हमारी सरकार है, प्रचंड बहुमत की ये सरकार है, और जिस तरीके से ये सरकार मुख्यमंत्री बदल रही है, कार्य कुछ नहीं कर रही है, अष्टमी के दिन दुर्गा के रूप इन महिलाओं को यहाँ पे इन्होंने बैठाया हुआ है, इन्हें शर्म नहीं आती, ये राज्य के अलग अलग हिस्सों से आई है, और जरूरत नहीं है क्या कि मुख्यमंत्री किसी को भेजे, यहाँ कम से कम इनके लिए व्यवस्था ही कर दे। आपने गिरफ्तारी करी, ठीक है, एक प्रक्रिया होती है, उसके तहत आपने जो किया वो किया, लेकिन मैं ये भी तो जानना चाहती हूँ अपने मुख्यमंत्री से कि मुख्यमंत्री जी बात करते हैं बेटियों की सुरक्षा के लिए, और बेटियों की ये सुरक्षा, महिलाओं की ये सुरक्षा, आज हमारी बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं, दिखाई नहीं दे रहा, अगर कोई बात हो जाएगी, कोई अनहोनी हो जाएगी, तो उसकी जिम्मेदार कौन होंगे? हमारे मुख्यमंत्री, जो अपने आप को युवा मुख्यमंत्री बताते हैं, जो कहते हैं कि वे इस राज्य को एक नई दिशा देने के लिए आए, मगर प्रचंड बहुमत की सरकार 3 मुख्यमंत्री देती है, और जो 3रा मुख्यमंत्री आता है उसे माताओं की चिंता नहीं है, माताओं की इज्जत नहीं करता वो। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि आज अष्टमी के दिन इन बहनों ने घर में पूजा करना होगा, और ये यहाँ पे बैठी हैं, क्यों बैठी हैं? अपने अधिकारों के लिए। ये राज्य महिलाओं के लिए बना था, मगर अगर महिला शक्ति के साथ, मातृ शक्ति के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी इस तरह का व्यवहार करेगा, तो उनके साथ भी गलत ही होने वाला है, और गलत क्या होगा, उन्हें उखाड़ कर फेंका जाएगा, क्योंकि लॉलीपॉप दे रहे हैं। आप अभी उपनल की बात कर रहे थे, उपनल कर्मी तो कह रहे हैं कि उनको भी लॉलीपॉप दिया गया है, तो लॉलीपॉप वाली जो सरकार है वो ये समझ ले, जो ये दुर्गा का रूप आज आप देख रहे हैं ना बैठी हुई, ये काली भी बन सकती है, और ये उनके साथ जो करेंगी वो पूरा राज्य करेगा। आपने देखा है तीर्थ पुरोहित सड़कों पे, महिला सड़कों पे, तो कौन है जो इस सरकार को चला रहा है? सरकार में कोई महिला मंत्री नहीं है क्या? किसी मंत्री को आना नहीं चाहिए? रेखा आर्या जी कहाँ है? उनको नहीं दिखाई दे रहे कि ये महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं? कहाँ है? मैं जानना चाहती हूँ रेखा आर्या जी से भी कि वो कहाँ है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस वक्त आए और ये देखें कि इनकी सुरक्षा में कोई कमी ना रह जाए? ये कहाँ जाएंगी, कहाँ कहाँ से आएंगे, आपने पूछा इनसे? जी जी, बड़ा सवाल है मैडम, बड़ा सवाल, धन्यवाद आपके लिए। काफी दूर दराज से महिलाएं, कोई चंपावत से है, कोई हल्द्वानी से है, कोई उत्तरकाशी से है, काफी दूर से महिला है, तो हमारे साथ जुड़ी थी सुजाता पॉल जी, जिन्होंने काफी रोष जताया है और ये बोला है सीधे, बहुत बड़ी बात इन्होंने ये बोली है कि जो रेखा आर्य है, जो खुद में एक महिला है, मंत्री है, बाल विकास मंत्री है, तो उनकी इनकी सुध क्यों नहीं ले रही हो? तो उनको जानना होगा और आगे इस एक्शन लेना होगा कि इस रात में ये महिला आगे जाएंगी तो जाएगी का, तो हम आगे भी ऐसे आपको अपडेट रखेंगे, देखते हैं आप।
मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आप लोग कहाँ कहाँ से आए हैं। आप यहाँ से मैं शुरू करना चाहती हूँ, कहाँ से आई हैं? उत्तरकाशी से। कब चली थी आप उत्तरकाशी से? सुबह छह बजे। आज अष्टमी है तो आपको ये नहीं लगा कि आज घर में बच्चों के साथ रहें, पूजा पाठ करें? मैम, पूजा पाठ तो तब होती है जब पूजा पाठ करने के लिए समाधान हो। हमें उन बच्चों को छोड़ के आना पड़ा क्योंकि हम उन्हीं के भरण पोषण के लिए हमें चाहिए, क्योंकि 4500 में मैम घर नहीं चलता है। 4500 मिलते हैं आपको महीने के? मैं एक सिंगल मदर हूँ, दो नाबालिग बच्चे हैं मेरे, तो क्या मैं 4500 में अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकती हूँ? आप कहाँ से आई हैं? मैम, मैं चंपावत से हूँ। कितना समय लगा आने में? हम कल 2 बजे बैठे, आज सुबह 6 बजे यहाँ पहुँचे हैं। कल 2 बजे दोपहर में चले और यहाँ पे 6 बजे सुबह पहुँचे। आपके घर में सब सोच रहे होंगे आज आपको कोई समाधान मिलेगा, आज कैसा महसूस कर रही हैं आप? काफ़ी बुरा लग रहा है कि मैं एक महिला हूँ, कि एक महिला ने महिलाओं का शोषण किया है। अब कौन है वो महिला? रेखा आर्या मैम है, जो हमारी शिक्षा मंत्री हैं, जिन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हमारी आंगनबाड़ी मैम जो आई हैं बहनें, वो किस हाल में है, क्या है, उन्होंने हमें एक बार पलट के भी नहीं देखा है। हम यहाँ सुबह से बैठे हैं उनके उसमें, ना खाया ना पिया। आज हमारी अष्टमी यहीं पर हो रही है और आगे भी हमारी लड़ाई चलती रहेगी जब तक हमें इसका निर्णय नहीं मिल पाएगा। आप कहाँ से आई हैं? मैं चंपावत से आई हूँ, मैं मीना वोरा। मैम, हम लोग ये मतलब बड़े खुशी से आए थे कि चलो आज कैबिनेट है, इस कैबिनेट में हमारी मंत्री महोदय कुछ ना कुछ विचार रखेंगी अपने, और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि उन्होंने 7 तारीख को आश्वासन दे रखा था। उसके बाद बीच में ही 17 तारीख को मैडम बुला लेती हमें, आओ देखती है ना हमारे पास किराया ना भाड़ा, बुला लेती हैं। उसके बाद हम जाते हैं, चलो मीटिंग करते हैं, मीटिंग में भी वो कहती है कि मैं तुम्हें सम्मानजनक मान दे दूंगी, 24 की कैबिनेट में रखूंगी, लेकिन 24 की कैबिनेट में कुछ नहीं रखती है। फिर हम लोग चलो हम बार की कैबिनेट में हम आते हैं कि बार की कैबिनेट में कुछ रखेंगे, लेकिन यहाँ आके देखते हैं कुछ भी नहीं रखा मान ले। ये कहीं ना कहीं महिला शोषण है। 3700 रुपये मेरी सहायिकाओं को मानदेय मिलता है, 4500 रुपये मेरी मीनिंग कार्यकर्ताओं को मिलता है, 7500 रुपये मानदेय हमें मिलता है। तो मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, क्या इतने में, इस महंगाई में इतने से हमारा गुजारा हो जाएगा? थोड़ा तो सरकार ने समझना चाहिए इस वैसे जी। अपनी बात पूरी करिए जी। तो मैं कह रही हूँ कि सरकार एक और कहती हूँ, उत्तराखंड देवभूमि है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि देवभूमि रह गई है, एक राक्षसों की भूमि रह गई है। कहीं ना कहीं राक्षस बैठे हुए हैं। 3 मुख्यमंत्री हो गए, 8 मार्च के दिन एक मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं कि मैं तुम लोगों को कोविड का 10,000 दूंगा, लेकिन दूसरे ही पल वो इस्तीफा दे देते हैं, वो घोषणा कहीं की कहीं धरातल पे आती ही नहीं है। उसके बाद दूसरे मुख्यमंत्री बनते हैं, वो कहते हैं कि मैं विचार करूंगा। तीसरे मुख्यमंत्री बनते हैं, वो कहते हैं कि मैं इस 10,000 को 2,000 करके दूंगा। कहाँ है वो 2,000? नहीं मिला, 2000 कुछ नहीं मिला। हमें कुछ नहीं मिला मैडम, ना रक्षाबंधन का मिला ना 2000। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, ये सरकार कहती है डबल इंजन की सरकार है, कहाँ है डबल इंजन की सरकार? 4 महीने हो गए हमें 2900 रुपये मानदेय राज्य दे रहा, हमारा केंद्र का हमारा मानदेय आया ही नहीं है। 1150 रुपये मानदेय आ रहा हमारे बहनों का, 1150 में क्या घर चलता है हमारी बहनों का? 4 महीने से वो केंद्र का भी हमारा मानदेय नहीं आया हुआ है जी। आप कहाँ से आई हैं? मैं टिहरी से आई हूँ। टिहरी से? हाँ जी जी। तो आज ही चली होंगी आप? जी मैम, सुबह 6 बजे चले थे जी और 1:30 बजे यहाँ पहुँचे जी। और अभी मैम आज व्रत है क्या? मैम आज व्रत था, हमने कहा रात को अपने घर वापस जाएंगे, माँ दुर्गा की पूजा करेंगे। लेकिन मैम इस सरकार ने तो हमें इतना रुला दिया, इस सरकार को मैम इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि मैम जो सरकार महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है, उस सरकार का शासन में बैठना कोई औचित्य नहीं बनता। उस सरकार को तो स्वयं ही इस्तीफा देना चाहिए, चाहे हमारे बाल विकास मंत्री हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हो। मैम हम ऊपर से 6,000 रुपये गाड़ी बुक करके यहाँ आए थे, लेकिन मैम कल आज हमें यहाँ रुकना हो रहा है, कल वापस जाएंगे मैम 12,000 रुपये हमें उस गाड़ी का देना पड़ेगा। मैम कहाँ से बहने इतना पैसा लाएंगी? अब मानदेय का हाल देखो मैम, 6 महीने तक हमारा मानदेय नहीं निकलता है, तो मैम कैसे होगा इतनी महंगाई में? एक तरफ मैम 80 रुपये किलो टमाटर हो गया, 100 रुपये किलो प्याज हो गया, मैम कैसे हम अपने घर चलाएं, कैसे परिवार चलाएं? मैम इस नौकरी के पीछे मैम हम अपने बच्चों को शिक्षा स्वास्थ्य नहीं दे पा रहे मैम जी। हम लोग घर से भी परेशान है और मैम सरकार की तरफ हमें इतना परेशान किया जा रहा है। इस सरकार को तो मैम हम चुनाव में दिखा देंगे, हम चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चुनाव में मतदान नहीं करेगी, हम चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। यही तो ये सरकार चाहेगी कि आप लोग वोट ही ना दें। मैम हम बहिष्कार करेंगे मैम, इस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। हमें पता है मैम, जो हमारा जनप्रतिनिधि हो हम उसको वोट देंगे, जो कहीं महिलाओं के प्रति सशक्त होगा हम उसको वोट देंगे, जो आपके लिए काम करेगा
लिखवा के लीजिएगा कि अगर नहीं काम करेगा तो उसको आप उखाड़ के फेंकेंगे। उखाड़ के फेंकेंगे मैम, ये हमारा वादा है, आज हम संकल्प करके जा रहे हैं पुलिस लाइन से। मैम इतनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, रात्रि का समय है, कोई हमें देखने वाला यहाँ पर नहीं है। मैम किसके भरोसे हम यहाँ बैठे? एक आज हमारी रक्षा जो कर रही है मैम वो माँ दुर्गा है, और मैं उस माँ दुर्गा से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे ये मुख्यमंत्री, हमारी बाल विकास मंत्री, इनको सद्बुद्धि मिले, माँ दुर्गा इनको सद्बुद्धि दे और ये महिलाओं के प्रति सशक्त हों, संवेदनशील हों, नहीं तो इनको चुनाव में इनको इस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी आप कहाँ से आई हैं? मैं पौड़ी से, पोखरा ब्लॉक से। पोखरा ब्लॉक पौड़ी जी, कब चली थी आप? मैं कल सुबह चली थी। कल सुबह चली थी जी। तो आज आपकी जो, आपने क्या सोचा था कि आज क्या होगा कैबिनेट की मीटिंग के बाद? कैबिनेट की मीटिंग के बाद हमने सोचा था आज मुख्यमंत्री जी का वेलकम करेंगे, खुशखबरी लेके जाएंगे घर में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनको आशीर्वाद तो आप नहीं दे पाए, लेकिन आज जिस हालत में उन्होंने आपको छोड़ दिया है, क्या कहना है आपको? इतना क्या कहना है, आज दुर्गाष्टमी के दिन यही होगा कि सब लड़कियों ने, हमने भद्रकाली का रूप धारण करके यही रात गुजारनी है और उनकी सद्बुद्धि की कामना करनी है कि कल सुबह तक उन्हें सद्बुद्धि मिल जाए और हमें वो जो हमें आश्वासन दिया था और जो 10,000 का दिया था वो अपने ही पास रखें, अगले चुनाव में उन्हीं के काम आएंगे, उन्हीं के काम आएंगे वो 10,000 रुपए। जी आप कहाँ से आई हैं? जी मैं टिहरी से आई हूँ। टिहरी से, और आज सुबह चली होंगी आप? सुबह चली थी, तो सुबह नहीं मैं कल आ गई थी। अच्छा कल आ गई। बहुत दूर से आते हैं हम टिहरी से, ये हाँ। तो जिला मुख्यालय होता है टिहरी, लेकिन बहुत दूर से आते हैं। अच्छा अंदर से जी, तो बताइए क्या? हम इस आस में आए थे कि आश्वासन दे रखा है 24 तारीख का दिया था, तो हमने सोचा चलो आगे इसमें नहीं हुआ तो आगे वाले में हो जाएगा। आज भी मतलब मेरी सारी बहनें ये खुश थी कि चलो हम जो भी कर रहे हैं इस बार हमारा कुछ सकारात्मक निर्णय आएगा, लेकिन वो भी कुछ नहीं सकारात्मक निर्णय। मैडम क्या आना था, इतना बड़ा धरना किया था हमने पिछली बार, गामा जी सरकार ने नुमाइंदे भेजे थे हमारे सामने कि तुम्हारा जो है हम बढ़ाएंगे सब कुछ, बार तो तुम्हारी सफल हो जाएगी, आज तुम धरना वापस ले लो। हमने धरना वापस लिया, उस धरने के मतलब धरना आपका वापस करवाया गया। मतलब ये जानबूझ के आश्वासन दिया था, बहुत अच्छा आश्वासन दिया। आप लोगों ने भरोसा कैसे कर लिया मैं जानना चाहती हूं। वही तो हमारी गलती हुई, इसी चक्कर में आज हम देख रहे हैं कि अब तो हम आर या पार नहीं होगा, तो हम मतलब ये सरकार पे आप भरोसा नहीं कर सकते? नहीं बिल्कुल नहीं मैम, नहीं कर सकते। आप कहाँ से आई हैं? टिहरी से। आप टिहरी से आई हैं, मतलब सफर करके आप यहाँ पहुँची, अब कैसा लग रहा है इस वक्त आपको? मतलब मैं समझ सकती हूँ आपके अंदर की पीड़ा को, बहुत दुखी। कुछ कहना चाहती हैं रेखा आर्या जी से? महिला हैं, महिला तो महिला की दुश्मन हो गई, इससे बड़ी बात तो आप कुछ कह ही नहीं सकती। मतलब मैं निशब्द हूँ बिल्कुल, महिला की दुश्मन महिला बन गई जी। मुझे ये बताइए कि आप लोगों को ये लगा होगा कि आज मुख्यमंत्री जी कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि मुझे याद है कि पिछली बार जब विधानसभा में आप लोगों को बुलाया गया था, आपसे बात करी गई थी, तो उसके बाद ये उम्मीद तो थी कि अब की बार धोखा नहीं होगा। मगर मैं ये जानना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ एक बार नहीं कई कई बार धोखा हुआ है, मगर आप उत्तराखंड की महिला हैं, मातृशक्ति है, तो आप लड़कर अपनी बात को मनवाना जानती हैं। तो पिछली बार भी आप लोगों ने कहा, और खास करके आपके अध्यक्ष ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी अकेले अंदर मीटिंग के लिए, जिलाध्यक्ष सब जाएंगी जिनको बुलाया। तो अब आपको क्या लगता है कि आगे क्या, मतलब इतने धोखे के बाद क्या होगा? जब तक हमारी मांग नहीं माने तब तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे। जब तक मांग नहीं मानेंगे, जान चले जाए। मेरे को 36 साल हो गए। 36 साल? 36 साल हो गए जी। मैं मेरी जान चले जाए, मेरी लड़कियों का जो पीछे से लड़के उनका भला तो हो जाए। ताली बजाओ दीदी। सरकार को शर्म होगी, आत्महत्या ही करनी है। मैं ये सोच रही बस, और कुछ नहीं आ रहा मेरे मन में। बहुत दुखी हो गई इस सरकार को देख के, बहुत दुखी। चुनी तो आप लोगों ने भी थी इस सरकार को, प्रचंड बहुमत की उत्तराखंड की, 56, 57, 58। मैं बिल्कुल नहीं चुनी, मोदी जी के नाम पे चुनी थी। तो मोदी जी कहाँ है, आपकी मदद करने आ रहे क्या? आएंगे? आएंगे क्या मोदी जी? तो आपको जिसने बैठाया है, आपको लगता होगा
कि ये उत्तराखंड की सरकार है, मगर उत्तराखंड की सरकार तो कठपुतली की सरकार है। तो मोदी जी से भी तो कुछ कह दीजिए, आप कहिए कुछ मोदी जी से। मोदी जी से क्या कहना हमने, मोदी जी के तो हैं यहाँ जो है मोदी जी के बोलते हैं, वहाँ से मोदी जी दे रहे हैं तो वो तो करते रहे घोटाले, बीची बिल खाते हैं चोर, अब चोर तो खा ही रहे हैं, उन्होंने हमें क्यों दे रहे जो हम काम कर रहे हैं। जी आप क्या कह रही हैं सिलेंडर के बारे में? मैं ये कह रही हूँ कि मोदी जी बोल रहे हैं ना कि मतलब हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है, डिसीजन उनका खुद का होता है, जब पूर्ण बहुमत की सरकार है तो इतना हम भी जानते हैं कि उनके डिसीजन खुद का ही होता है, हमको किसी दूसरे से डिसीजन करना तो कोई जरूरत नहीं है पूछने की। लेकिन 1000 रुपए का सिलेंडर, वो तो कह रहे हैं उज्ज्वला योजना में आपको सिलेंडर मिल रहा है, हमें तो किसी में भी नहीं रखा, गरीब रेखा से भी हमें बाहर कर रखा है। कैसे? हम गरीब रेखा में भी नहीं आते, मातृत्व तो बंधन के फॉर्म है हो गए, कई चीजें योजना ही है, उस योजना से भी आंगनबाड़ी को बाहर कर रखा है। 3600 रुपए तो तनख्वाह मिलती है, उसी में गुजारा हो जाएगा, 1000 रुपए का सिलेंडर भरेगी आंगनबाड़ी और अपने बच्चों का पालन पोषण भी करेगी और पोषण कुपोषण मुक्त भी करेगी, तो हो जाएगा क्या? सरकार को खुद सोचना चाहिए कि कुपोषण मुक्त एक आंगनबाड़ी खुद नहीं हो सकते, दूसरे को क्या करेगी? बिल्कुल बिल्कुल सोचिए मैम, बिल्कुल। आप क्या कहेंगी मोदी जी को, कुछ कहना चाहती हैं? मोदी जी को क्या कहना, हमारा मानदेय बढ़ा दे, मोदी जी बढ़ा दे, हमारे सीएम साहब ने बढ़ा दे तो मोदी जी बढ़ा दे। नहीं नहीं, चुना तो आप लोगों ने भी मोदी जी के नाम पे है, हमने तो चुना होगा तो हम दे भुगत रहे हैं जो हमने चुना है तो भुगत रहे हैं हम लोग, है ना। 2022 में नतीजा मिल जाएगा, हमने चुना है कि नहीं चुना है, और 2024 में फिर मोदी जी को वापस ले आएंगे, वही तो भाई बोल रहे, भुगत रहे हैं ना, तो देखेंगे हम 2022 में, देखते हैं अब मोदी जी आते हैं कि कौन से मोदी जी आते हैं। नहीं आपकी बात, तो पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ रहे हैं ना, तो देखते हैं पुष्कर सिंह धामी जी चुनाव लड़ते हैं कि कौन लड़ते हैं, तब वो तो आगे बताएगा समय कौन लड़ता है। सड़कों में उतरे उनकी मार, तब देखते हैं माँ बहन सड़कों में उतरे तब हाँ मोदी जी आते हैं कि नहीं, नहीं वो तो उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनकी माता जी तो सड़क पे वो कहते हैं लाइन में खड़ी होती है, पड़ेगा जरूर पड़ेगा, मात्र शक्ति सड़क में जरूर पड़ेगा, फर्क जरूर पड़ेगा, दिखावा है उनका उनके। हाँ जब उनकी माता जी खड़ी होती है तो काफी लोग रहते हैं, आप लोग यहाँ अंधेरे में इस समय, कितना समय कितना हो गया, सुबह 6 बजे से बैठे हैं, भूखे पैसे व्रत ले रखे हैं अपने घर में, आज आप लोग व्रत कैसे खोलेंगे? कैसे खोलना है हमने व्रत, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, कहाँ से खोलना है? तो पानी की भी व्यवस्था नहीं है, भूखे पेट काली माता की उपासना करेंगे मैम, काली माता की उपासना करेंगे भूखे पेट, क्योंकि व्रत हम खोल नहीं पाए तो वो भी एक माता ही है, तो देखेंगे हम आगे वो क्या करती है, बस यही है, उसके नाम पे हम लोग भूखा रह जाएंगे। मैं थौलधार से आई हूँ, टिहरी डिस्ट्रिक्ट से, बहुत दूर दराज में थौलधार ब्लॉक है, थौलधार ब्लॉक से आई हुई हूँ जी। मैं आप मोदी जी के विषय में जैसे आप पूछ रहे थे, मैं तो ये पूछना चाहती हूँ मोदी जी से, कौन बेटा ऐसा है जो अपनी माँ के पैर छूते हुए फोटो खींचता है? बिल्कुल, कौन नहीं जानता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी माँ है, कितना दिखावा वो करते हैं, हमें ऐसा दिखावा कोई ना प्रधानमंत्री चाहिए ना मुख्यमंत्री चाहिए, इस मुख्यमंत्री के लिए हम आज गुलदस्ता लेके आए थे, कितनी बार इन्होंने हमें धोखा दे दिया, उन्होंने कितनी बार हमको बोला कि आपका प्रस्ताव आज निकलेगा, 7 तारीख को बोला, 24 तारीख को बोला, हमारा कभी नहीं आया, वो गुलदस्ता मुरझाया हुआ गुलदस्ता, जैसे आज हमारा गुलदस्ता मुरझाया है, हम आप बद्दुआ देते हैं उसको, हमेशा उसका चेहरा मुरझाया रहेगा, ये हमारी मातृशक्ति की बद्दुआ है, इसको बिल्कुल बद्दुआ है मेरी जी, हम सब मातृशक्तियों की, आज काल रात्रि है, काल रात्रि के दिन काली माँ कैसे रूप में आती है, ये ध्यान रखे। आपके माध्यम से मैं आप सभी पत्रकार महोदयों का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जैसे आप लोग हमारे पास आए, हम आशा करते हैं कि ये विचार ये शब्द आप वहाँ तक पहुँचे, उनके कानों तक पहुँचे। मैं भी खटीमा उधम सिंह नगर से हूँ, जहाँ से वो हैं वहाँ मेरा मायका है, ये मेरे भाई हैं, लेकिन एक बहन की बद्दुआ है, आज उन्होंने ये देखिए मेरी चोट कैसे उन्होंने मुझे खींचा पुलिस वालों ने, और देखिए मेरे पेट में कितने टांके हैं, मैं पुलिस वालों ने खींचा आप लोगों को, पुलिस वालों ने खींचा जबरदस्ती जबरदस्ती वो खींच के लाए हैं, और ये मेरे पूरे घाव बने हुए हैं और मेरे पेट में 15 टांके हैं, मैं हमने कितने ओर से रिक्वेस्ट करी कि ऐसे मत खींचिए, मैंने बोले पुलिस वालों को इसका धामी बताया, हम एक लाइन में रहते हैं खटीमा, मैं उनकी बहन हूँ, आज मैं एक बहन उस भाई को बद्दुआ देती हूँ, जैसे मेरा हमारा गुलदस्ता मुरझाया, जैसे तुमने हमें आज दाग दिए, भगवान करे तुम्हें कभी दोबारा सत्ता न मिले, मेरी बद्दुआ है ये। जय भारत सेना वाली को, बोल करते दरबार की।
आप कहाँ से आई हैं? मैं टिहरी से हूँ। टिहरी से? हाँ जी। घर में सबको छोड़ के अष्टमी के दिन जी यहाँ पे बैठे हैं, क्या करें, खाली हाथ हैं, खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ। उम्मीद तो है, जहाँ तक हमारी जो मैं बोल रही हूँ कि कहते हैं ना कि आस जो है हमारी अभी भी लगी हुई है कि शायद उसको सद्बुद्धि मिले मुख्यमंत्री को, और हमारी वार्ता जो है कल सुबह के लिए बोला है उन्होंने कि हम कल सुबह आप लोगों से वार्ता करेंगे, लेकिन यहाँ देख लीजिए आप, पूरी पुलिस फोर्स लगी थी जब हमको उठा के लाए, वहाँ से खींच के लाए, पुलिस स्थल पे जो है हम लोगों को ऐसे फेंक दिया उन लोगों ने, अपने आप अब घरों में बैठ गए, हमें यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। मैडम जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना 3 महीने का, तो उसको पहला टीका लगता है गर्भवती महिला को, तो उस बच्चे की देख रेख जब तक वो पैदा ना हो जाए, वो 10-12 साल का ना हो जाए, 20 साल का ना हो जाए, उसकी शादी ना हो जाए, हम लोग उसके धरता करते हैं। हम लोग जो है धरातल पे काम करने वाली महिलाएं हैं, उसके बावजूद ही हमारे रेखा आ रही है कि जो है आंखें नहीं खुल रही है, इतनी बदुआ, इतनी सारी लड़कियों की बदुआएं लगेंगी उसके, एक नहीं है मैडम, हम यहाँ पे कम से कम हम ब्लॉक की और जिले की जो जितनी भी पदाधिकारी आ रखी है, लेकिन कम से कम 36,000 आंगनबाड़ियां हैं, अगर 36,000 आंगनबाड़ी इस देहरादून में उतर जाए तो मुख्यमंत्री का जो है हम तख्ता पलट करके दिखा देंगे। और हम आज यहीं पे बैठे हुए, आज मैं कह तो रही हूँ कि आज लक्ष्मी सॉरी क्या हमारी जो काली माता की जो है आज हम पूरा पूजा भी नहीं कर पा रहे हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं, व्रत है मेरा आज जी, तो आज जो है सुबह से पानी तक नहीं पी रखा बहनों ने, तो देख लीजिए हम किस दशा में, ये है हमारे मुख्यमंत्री के हमारे कारनामे। तो मैं तो चाहती हूँ कि ऐसी बद्दुआ लगे कि पहले तो पूरे जड़ ही उखड़ जाए बीजेपी की, नहीं तो मुख्यमंत्री और रेखा आर्य के तो हो ही हो, सत्यानाश उनका जहाँ तक होगा वो जी। आज बहनों ने इतना संघर्ष करके आज हम यहाँ पहुँचे, हम तो खुशी से आए थे कि चलो एक नई 7 तारीख उन्होंने आश्वासन दिया, झूठा आश्वासन दिया, वो भी झूठा हो गया। उसके बाद उन्होंने 17 को रेखा आर्य ने हमें बुलाया, वो भी झूठा आश्वासन हुआ। हाँ। उसके बाद फिर 24 को हमने कैबिनेट की बैठक का इंतजार किया कि शायद उसमें हमारे लिए कोई निर्णय होगा, वो भी झूठा आश्वासन हुआ। आज जो है हम लोग इस आशा पे आए थे कि शायद इस वाले उसमें जो है हम लोगों कैबिनेट की बैठक में कुछ ना कुछ निर्णय लेंगे हमारे पक्ष में, लेकिन मैडम कोई निर्णय नहीं लिया गया, कोई भी सकारात्मक निर्णय नहीं गया, बल्कि उन्होंने जहाँ से ये देख लीजिए आप दीदी यहाँ इनके पूरे हाथ नीले पड़े थे, जबरन उनको हमको उठाया गया, वहाँ से खींच खींच के गाड़ियों में भर दिया, ये कोई अच्छी बात नहीं होती। जी आप कहाँ से आई हैं? मैं भी टिहरी से आई हूँ। क्या नाम है आपका? सरस्वती। जी कुछ कहना चाहती हैं रेखा आर्य से? कहना क्या जाना है, वो एक औरत की दुश्मन होती है, हम तो यही बोल सकते हैं, सबसे बड़ी दुश्मन वही है। आज सुबह से हम भूखे प्यासे घर से निकले हुए, छोटे छोटे बच्चे हमारे घर में छोड़ रखे, वो हमारा इंतजार कर रहे कब हमारी मम्मी आएगी, कब हमारे लिए खाना बनाएगी, लेकिन ना तो हम उन बच्चों के लिए अपना खाना बना सकते हैं, ना वो हमारा इंतजार कर रहे हैं कि कब आएंगी हमारी मम्मी। लेकिन मैं तो ये बोलती हूँ रेखा आर्य और इस सरकार को तो इतनी बद दुआ लगे कभी नाम और निशानी मिट जाए। जी जी मैं जानना चाहती हूँ आपसे कहाँ से आई हैं आप? मैं पौड़ी से आई हूँ। पौड़ी से? जी जी क्या कहेंगी आप मोदी जी को, मुख्यमंत्री जी को, रेखा आर्य को? मैं तो आज के दिन जी कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं सूक्ष्म से मैं ये कहूँगी, मेरी सारी बहनों ने बता दिया आपको, कि मैं पहले अपनी सरकार के बारे में कहूँगी जिनके अधीन हम बैठे हुए हैं। हम लोग आज बड़ी उम्मीद और आशा के साथ बैठे हुए थे, और हम लोगों की जितनी भी गैदरिंग हुई थी कि हम मुख्यमंत्री जी को क्या गुलदस्ता देंगे या क्या कौन सी बातें बोलेंगे, अच्छा मतलब खुशी का एक माहौल हमारे बीच में था, और जैसे ही इनकी कैबिनेट समाप्त हुई वैसे हमें लगा कि हमारा कहीं नामो निशान ही नहीं है। हम लोग शालीनता के साथ मुख्यमंत्री आवास कूच किया हम लोगों ने, तो हमें वहाँ पे बाहर में ही रोक दिया गया और हमें बैठा दिया गया। पहली बात हमें पूछा गया तुम यहाँ क्यों आए हो, चलिए अगर हमने एक गलती कर भी दिया थी या इनका प्रोटोकॉल तोड़ दिया था, जो भी था, महिलाओं के साथ बात करने का एक तरीका होता है जी। ये हमारे मुख्यमंत्री जी की रोज योजनाएं दौड़नी है, महिलाओं का सम्मान, महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो उनके साथ पहले तो बात करने की तमीज़ कैसे होनी चाहिए ये तो पहले सरकार को जानना चाहिए। हमारा मानदेय कितना बढ़ाएंगे क्या बढ़ाएंगे वो तो अभी आप देख ही रहे हैं, सब बहनें बोली रही हैं, हमने ज़्यादा भी नहीं बोला था, 18,000 हमने मानदेय को रखा हुआ था। इनके पास 18,000 के लिए इनका वित्त गड़बड़ा रहा है, हमारी फाइल वित्त में जा चुकी है और इतनी भारी वो फाइल का जो वेट हो रखा है इनसे उठाया नहीं जा रहा है, तो ना हमारी रेखा आ रही है जिसमें कुछ बोल पा रही है, ना हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ बोल पा रहे हैं, और महिलाओं की जो बात करते हैं तो हमारे 35,000 से 40,000 के बीच हमारी महिलाएं हैं। तो मैं कहती हूँ ना मतलब कि पृथ्वी गोल है, आज हम जमीन पर हैं और ये सत्ता में बैठे हुए हैं, ये सिंहासनों में और ये एसी वाले रूमों में बैठे हुए हैं, और हम भूखे प्यासे आज जमीन में बैठे हुए हैं, पृथ्वी गोल है, घूमेगा जरूर,
ये रुकेगी नहीं, ये घूमेगी जरूर, और ये एक दिन ये जमीन पर आएंगे और हम लोग उधर जाके बैठेंगे। मैं ऐसी उम्मीद और आशा करती हूँ कि ऐसा जरूर होगा कि सबका पलट जरूर होगा और हम इन्हें दिखाएंगे। दूसरी बात यह है कि इन्होंने अपना नियम को तो पालन किया, हमें भेड़ बकरियों की तरह गाड़ी में ठूस के यहाँ भेज दिया पुलिस लाइन में और यहाँ बैठा दिया, हमसे कागज़ पे साइन कर दिया कि तुम शांति भंग करोगे तो तुम पे 5,000 जुर्माना होगा। अरे बड़ा तो दो, 5,000 रुपये हम देने के लिए तैयार हैं मुख्यमंत्री जी को। हाँ। तो यहाँ हमें बैठा दिया, इसके बाद न पुलिस वाले दिख रहे न कोई दिख रहा। अब पुलिस लाइन ही है क्या? मैं भी पहली बार आई हूँ, अगर हम यहाँ से कहीं जाते भी हैं या जैन धर्मशाला भी जाते तो हम तो नए लोग हैं, हमें तो पता ही नहीं है किधर से जाना है। तो ये महिलाएं हम जितनी यहाँ बैठे हुए हम किधर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, इसका संज्ञान कौन लेगा? अभी कहाँ महिला सशक्त है और कहाँ महिला की सुरक्षा हो रही है? ये मेरा पहला सवाल उनसे। मान दे तो बात की बात है, हमारी इन जितनी भी महिलाएं आई हैं दूर दराज से, इनकी सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा? राज्य सरकार लेगी ना? तो मैं सरकार से यही पूछना चाहती हूँ कि जिन महिलाओं की बात करते हैं वो महिलाएं तो जमीन पर बैठी हैं, इनकी कौन सुध लेने वाला है? बिल्कुल नहीं, आप जो ये बात कह रही हैं कि आप लोग यहाँ पे बैठी हैं और वो सुध नहीं ले रहे हैं, मतलब आप लोगों को जब लेके आए तब बहुत पुलिस फोर्स रही होगी, और आप लोगों को आज अष्टमी के दिन जब यहाँ पे छोड़ दिया है तो आपको कहा तो गया होगा कि आप लोग जा सकते हैं, क्या कहा आप लोग? हमें कहा है कि तुम लोग, तुम्हें हमने गिरफ्तार किया था और अब तुम बरी हो गए। हाँ। अपने आप गिरफ्तार करने वाले, अपने आप बरी करने वाले, हमें तो पूछो। हाँ। कि हमें गिरफ्तार किस बेस पे किया है, कौन सी गलती हमने करी है जो मैं गिरफ्तार किया गया? हाँ भैया, और गिरफ्तार किया तो साइन करा लो किसी कागज पे, और फिर बेल किस बात की ले रही, किस चीज के लिए हम छोड़े जा रहे हैं? नहीं, ये 5,000 वाली बात जो आप बोल रही हैं, ये सीरियस इशू पे लिखा हुआ था कि अगर आप लोग शांति भंग करोगे तो 5,000 में पनिश किया जाएगा। हाँ। तो हमने कौन, अभी हमने वहाँ भी तो शांति भंग नहीं की थी, हम तो गए थे प्यार से बोलने के लिए कि हम अपने माननीय मंत्री जी से मिलना चाह रहे हैं। जो आश्वासन उन्होंने दिया था वो कितना, कितने पे उन्होंने अपना रखा होगा वो तो उनका गुप्त ही होगा, पर हम तो उस आश्वासन के बेस पर ही देहरादून आए थे कि 24 की गई कैबिनेट, उसके बाद एक और कैबिनेट गई, इसके बाद ये कैबिनेट आ गई, इसमें भी हमारा कोई हल नहीं, अभी कह रहे 25 को कैबिनेट है तो उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। तो हम इनके अब हम ज़्यादा छल नहीं सकते ना, कितनी बार छल कर दिया। बिल्कुल। तो अब हमारा विश्वास टूट गया है, तो हम लोग गए थे कि अपने मुख्यमंत्री जी के साथ हम बात करें कि जो आश्वासन दिया गया था उस आश्वासन पर आप खड़े उतर भी रहे हो या नहीं, या अब जो भी है तो सारी बहनों के पास आके ये बोल दें कि मेरे से तुम्हारा मानदेय नहीं बढ़ा सकता क्योंकि कर्जे में हमारा राज्य है। तो हम कुछ शायद हम ये कहते हैं कि हम पीछे हट जाते, लेकिन कम से कम बात तो कर लेते, हम भी राज्य की बात करते क्योंकि हमें भी राज्य निर्माण में हम सभी का योगदान था। अगर राज्य कर्जे में है तो हम सिमट जाते उसी में, लेकिन बात तो कर लेते। पुलिस के द्वारा बहन के हाथ को इतना वो कर दिया, मतलब दर्द में वो थी, और हम लोगों को आज ऐसे भेड़ बकरों की तरह भराना इतना बुरा लगा कि जिस राज्य का निर्माण हमने किया था कि आज दो अभी दो हमारा उत्तराखंड राज्य दो, उस राज्य को बनाने के लिए ये दिन देखना पड़ेगा, बड़ा मतलब शर्म की बात हम लोगों के लिए। बिल्कुल शर्म की बात तो हम सबके लिए। आपके पास बाद में आऊंगी, आप कहाँ से आई हैं? मैडम मैं रुद्रप्रयाग से आई हूँ। रुद्रप्रयाग जी मैडम, कल आ गई थी। अच्छा। सुबह हमारी समीक्षा बैठक थी हम सब लोगों की जी, फिर उसके बाद हम लोगों ने जब मैं आप बोले इसके पहले एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, रुद्रप्रयाग में 13 तारीख को एक रैली थी, 13 सितंबर को पंडा पुरोहितों की जी। उसके दो दिन पहले भी तो मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था और बातचीत करी थी, और मुझे तो ये भी पता है कि एक पत्रकार महोदय के माध्यम से वो लोग गए थे उनके पास और उनको धोखा मिला, और ऐसा पत्रकार जिस पत्रकार ने उत्तराखंड की दो दो सरकारों को गिराने की पूरी कोशिश करी जी। तो आप तो रुद्रप्रयाग से, आप जानती हैं कि कितनी बड़ी रैली वहाँ पे होने वाली थी पंडा पुरोहितों की, तो आपने कब तक भरोसा करना था इस सरकार के ऊपर? क्या आप कर रही हैं अभी भी भरोसा? नहीं, सरकार से तो कोई भरोसा नहीं, हमारा भरोसा तो टूट गया है, टूट चुका है। और अभी देखो हम लोगों का जो 7 तारीख हमारी रैली हुई थी, बहुत अच्छी वार्ता हमारी माननीय मंत्री मुख्यमंत्री जी से हुई थी, तो उन्होंने अच्छा आश्वासन भी दिया था, लेकिन ऐसा ही आश्वासन था, वो कोई वो नहीं था, उसमें हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया था। फिर 17 तारीख को हमारी जो कैबिनेट, हमारी माननीय मंत्री जी, हमारी रेखा आर्य जी हैं, तो उन्होंने हमको यहाँ देहरादून बुलाया था सबको, और सभी संगठन के पदाधिकारियों को बुलाया था, वो उस दिन तो आप भी वहाँ पर थी, और किस तरह से व्यवहार से हम लोगों को, किस तरह से हमारे साथ व्यवहार किया गया था तो वो आप लोग, आप तो जानती हैं। तो जब हम माननीय मंत्री जी के पास गए, सारे संगठन गए, तो उस समय माननीय मंत्री जी ने तो खैर बात की थी मानदेय बढ़ोतरी की, और ये भी कहा था कि तुम लोगों का जो मजदूर अपने आप को मत बोलें, तुम लोगों की मजदूरी से ऊपर तुम लोगों को रखें। पर ये भी तो बोला था मंत्री जी ने उस दिन आपको जी, ये जरूर बोला था कि भाई आपको हम मजदूरों की तरह नहीं करेंगे, ये बोलने की बात थी। वही तो। और दूसरी बात उन्होंने ये भी तो आप लोगों से पूछा आप कौन से संगठन से हैं जी, ये पूछने का क्या मतलब था?
भाई मुझे तो इस बात की भी तकलीफ हुई कि उन्होंने ये बात क्यों पूछी। आप कहाँ से आई हैं? मैं उत्तरकाशी से आई हूँ। उत्तरकाशी से, क्या नाम है आपका? अबला चौहान। घर पे आपकी बात हो गई कि क्या हुआ यहाँ? हाँ, घर पे बात हो गई है। क्या कह रहे हैं घर में सब? घर में सब ये कह रहे हैं कि मतलब हम एक आशा लेके आए थे, जो हमारी अभी दीदी लोगों ने बोला है कि रेखा आर्य, माननीय मंत्री रेखा आर्य जी से भी वार्ता हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी वार्ता हुई थी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आप अपने आप को मजदूर ना कहलाएं, आपको मजदूर से बढ़कर मानदेय दिया जाएगा, आप मजदूर नाम हटा दें। तो इसी आशा के साथ हम एक खुशी को लेकर यहाँ आए थे कि हम लोगों को जो है मतलब सरकार आज कैबिनेट में खुशी का वो देंगे, माहौल देंगे। लेकिन जब हमने देखा कि कैबिनेट में हमारी मांगों पे कोई फैसला नहीं हुआ, तो हम सब लोग आक्रोश में आते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास का घेराव करने जा रहे थे, जहाँ पे पुलिस प्रशासन द्वारा हमें कई तरीके से मतलब ये कहा गया कि आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं और आप लोगों का यहाँ बैठने का क्या तात्पर्य है। तो हमने उन लोगों से कहा कि आप एक प्रशासनिक बॉडी है, आप नौकरी कर रहे हैं, तो आप जब नौकरी कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए आप नौकरी कर रहे हैं, इसी प्रकार हम भी जो है अपने क्षेत्रों में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के साथ साथ बीओलो वर्क, पल्स पोलियो ड्यूटी, जनगणना, मतगणना जितना भी कार्य है वो हमसे करवाया जाता है। हम लोगों को तीन भागों में बांटा है, जो एक सहायिका को 3700 रुपये मिलता है और एक मिनी कार्यकर्ती डबल कार्यकर्ती है उनको 4750 मिलता है और पूर्ण आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को 7500 रुपये मिलता है, जो कि आज की महंगाई को देखते हुए बिल्कुल ना के बराबर है। और आज की महंगाई में मतलब एक गैस सिलेंडर कितना महंगा हो गया है वो आप भली भांति जानते हैं, और आज की महंगाई में तेल कितने रुपए किलो हो गया है वो भी आप भली भांति जानते हैं। मतलब हर चीज़ का आंकड़ा देखते हुए क्या हम इतने 3700 और 4700 और 7500 में अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। क्या मैं तो कहना चाहूँगी जो लोग ये पद पे बैठे हुए हैं, क्या इन लोगों की घर में माताएं बहनें भी तो होगी? क्या ये अपने माताओं बहनों को भी इसी तरीके से सता रहे हैं जिस तरीके से ये नवरात्रों के समय हमें सता रहे हैं और हमको इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं और छोटे बच्चों की तरह लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि आपको कैबिनेट में हम आपकी मांग को एक मजदूर शब्द को छोड़ के मजदूर से बढ़ा कर देंगे, लेकिन हमें एक मजदूर के समान भी मानदेय नहीं दिया जा रहा है। तो मैं बड़े आक्रोश के साथ कहना चाह रही हूँ, धिक्कार हो ऐसी सरकार को जो जिन लोगों ने पूर्ण बहुमत के साथ इन्हें चुना था, वही लोग इन्हें पूर्ण बहुमत ना देकर इन्हें मतलब पॉइंट का उनका पलड़ा बिल्कुल जड़ से उखाड़ दें और इनको सबक सिखा दें कि एक मात्र शक्ति को इस तरीके से प्रताड़ित करना उनके लिए कितनी मतलब ये होगी, हानि होगी। तो मेरा कहना यही है, आप भी एक मात्र शक्ति है और आप हमारी पीड़ा को देखते हुए हमारे बीच में आई है, आपका भी परिवार होगा, आप भी इस समय परिवार में रहना चाहती होगी, लेकिन आप मात्र शक्ति के सम्मान को देखते हुए हमारे बीच में आई है। मैं सभी प्रदेश की पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष है और ब्लॉक अध्यक्ष है, मैं सबकी तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और आप हमारी पीड़ा को सरकार तक पहुँचाइए कि आप इस तरीके से इन बहनों के साथ अत्याचार क्यों कर रहे हैं और अगर हमें यहाँ लाया गया है तो हमने कौन सा मर्डर किया है, कौन सा गुनाह किया है जो हमें मतलब इस तरीके से अरेस्ट करके राजधानी में होते हुए जहाँ का नाम राजधानी है, राजधानी में तो राज्य कर मतलब राजधानी का नाम है जहाँ राज्य करते हैं, तो राजधानी में हमें इस तरीके से छोड़ा गया, जैसे सड़कों में किनारों में गदेरों में कूड़ा करकट फेंकते हैं ये गंदी चीज़ है, उसी तरीके से हमें एक कूड़ा करकट की भांति यहाँ पे लाया गया है, जो हमें आक्रोश में आकर हमें यहीं बैठा भूखा प्यासा बैठना पड़ रहा है और घर में हमारे लोग सोच रहे हैं कि ये खुशी लेकर घर आएंगे, लेकिन हमें खुशी ना मिलते हुए निराशा मिल रही है। और हम बहुत अफसोस के साथ कहना चाहते हैं कि अगर अभी भी ये काली माता माननीय रेखा आर्य जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि दे, तो अभी भी जो उन्होंने हमसे वार्ता में जबान रखी थी अपने उस पे उतर जाए, नहीं तो उनका इसका खामियाजा चुनाव में अवश्य ही भुगतना पड़ेगा, जिसके लिए वो खुद भी समझ रहे होंगे और
उनको इसका दंड जरूर ही मिलेगा, ये मेरा सभी लोगों की तरफ से कहना है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। जी जी, आप कहाँ से आई हैं? मैं चंपा से। तो आपको उन्होंने कहा था कि मतलब मजदूर नहीं बनाएंगे, तो मजदूरी तो बना के रख दिया। उन्होंने हमसे कहा था कि आप हमारे विभाग की रीढ़ की हड्डी हैं और मैं आपको मजदूर से तो ऊपर ही रखूंगी। 8 मार्च को उन्होंने हमारी साड़ी पहनी थी, कह रही थी कि ये वस्त्र नहीं है, आभूषण है। हाँ। लेकिन आज हमारी बहनों को उन्होंने इस तरह घसीट के बस में भरा था, जैसे मजदूरों को भी लोग इस तरह किसी के साथ ऐसा व्यवहार, जानवर के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता है जैसा आज एक आंगनबाड़ी वर्कर के साथ व्यवहार हुआ था। इस उत्तराखंड में जो एक महिला के द्वारा जिसका निर्माण किया गया है, दुनिया भर के आंदोलन महिलाओं के द्वारा किए गए हैं, उत्तराखंड बना है, आज यहाँ हमारे साथ इतना दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार हुआ है, इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। जी, आप कहाँ से आई हैं? मैं पौड़ी जिले से, लिखने खाल ब्लॉक से सुषमा गुसाई। जी जी, क्या कहेंगे आप? मैं तो मैडम जी शब्द होंगे, क्योंकि हमें बार बार इतनी बार धोखे मिल रहे हैं कि हमारी सांसें तो अब आस पे टिकी हुई है। एक आस है कि कुछ करेंगे हमारे लिए, बाकी हम कुछ बोलने के उसमें नहीं है, बस उनके हमारे पक्ष में कुछ निर्णय ले लें बस, बाकी मैं कुछ बोलने के पक्ष में नहीं। जी, आप देख सकते हैं, देखिए ये हालत है, यहीं पे लेट गए हैं कुछ महिलाएं। और आपसे जानना चाहती हूँ रेखा जी, आप ही के नाम वाली आपकी जो मंत्री जी, हर बार मुझे यही याद आता है, हैं? और आज आप नाम ही बदल दो। अरे नाम क्यों बदल दो, उनको बदल देना ना भाई, नाम तो नाम होता है ना। हाँ, खींच दी हमने। हाँ, रेखा खींच, रेखा तो खींच गई। हाँ, रेखा बिठा दी जाएगी, लेकिन वो रेखा मिटा दी जाएगी। इनसे तो बहुत परेशान रहते हैं सब, है रेखा जी? आपसे तो बहुत परेशान रहते हैं ये सब। बस ये मैं नहीं जान पाया था कि मुझे इससे परेशान क्यों रहते हैं। हाँ, इसका कारण क्या है? नहीं, वो लोकतंत्र में जो विश्वास करता है वो क्यों परेशान होता भाई? मैं मतलब उनको ये है कि क्यों ये हमारे खिलाफ बोलती है। मैं तो एक स्वाभिमान की लड़ाई, एक सच्चाई की लड़ाई लड़ती हूँ, तो इसमें तो मुझे लगता नहीं कि उनको लगता है कि वो मैं गलत हूँ, तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी सच्चाई की लड़ाई लड़ रही हूँ और इन बहनों के लिए लड़ रही हूँ, तो मुझे कोई भी, और अपने हक के लिए लड़ रही हूँ, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं, कोई मुझे अच्छा माने बुरा माने मुझे कोई फर्क नहीं। मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ, जो पिछले शायद 8 मार्च से हो रहा है ना, नहीं तीलू रौतेली अवार्ड जब हुआ था, नहीं उसके पहले आंदोलन तो था, मगर जिस तरीके से ये स्पीड पकड़ा है इस साल, जिस तरीके से इन्होंने कार्य किए हैं, उसमें जानना चाहती हूँ कि पहले ये साड़ी पहन के आती हैं आप लोगों की, बिल्कुल है ना, और वो एक कलर वाली बैंगनी है ना, बेगुनी मैं कुछ और नहीं कहना चाहती, हाँ, रीढ़ की हड्डी वगैरह वगैरह, हाँ, तो सड़कों में पड़े जब रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी को तोड़ के रखेंगे तो राज्य पनपेगा, राज्य कैसे पनपेगा? तो मैं जानना चाहती हूँ, उसके बाद आपको याद है कि उस समय जो कुछ हुआ, जितना उन्होंने बताया स्टेज पे चढ़कर, मंत्री रेखा या प्रचंड बहुमत की सरकार की एकमात्र महिला मंत्री, और उसके बाद आप लोगों के साथ आज जो हो रहा है, इसके पहले सरकार सुनती तो है, सरकार सुनती है, लेकिन ये सरकार सुनती नहीं है रेखा जी। और मैं जानना चाहती हूँ कि जो कुछ इन्होंने किया 8 मार्च को, फिर स्वयं सहायता समूह, आपको याद होगा कि स्वयं सहायता समूह वाला मैटर आपको याद है ना, उसमें आपको यकीन नहीं होगा, वो कागज वो हाईकोर्ट में जमा भी किया गया, वो इनके केंद्र के मंत्रालय की वेबसाइट से निकाला था मैंने, जिसमें ये बात लिखी हुई थी कि ये केवल स्वयं सहायता समूह को दिया जाएगा, ये किसी और को दे नहीं सकते थे, उसको इन्होंने जमा किया है, जो एक स्वयं सहायता समूह यहाँ से गया और दूसरा हरिद्वार से। लेकिन आपसे जानना चाहती हूँ, आपको बुलाते हैं, आपका अपमान उस दिन भी करते हैं, फिर उसके बाद दबाव में आते हैं, उस दिन उनको डर था कि कहीं कोई और जो है मीडिया हाउस ना पहुँच जाए, मैं तो पहुँची थी, उनको ये डर तो बहुत तगड़ा था कि और कोई ना आ जाए, मेरे तो खैर सोशल मीडिया पे भी रोक लगाई हुई है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आज आप लोग गए थे उस गुलदस्ते के साथ, वो गुलदस्ता कहाँ गया, कुचला गया क्या? वो वही जैन धर्मशाला में अच्छा नहीं सरकार ही मुरझा गई, सरकार को मुरझा देंगे, अगर मातृशक्ति को मुरझाएंगे तो सरकार भी मुरझाएगी,
तो आप मुझे बताइए कि कितना भरोसा आप कर रही हैं। मैं तो इतना लंबा आंदोलन देख रही हूँ, 2019 में भी आप लोग किस तरह बैठे थे, हाँ नहीं 2019 में बैठे हुए थे ना, 20 में भी बैठे थे, 19 में नहीं 20 के शुरू में भी तो बैठे थे है ना, जनवरी में। तो आप क्या मतलब अब क्या उम्मीद रह गई है आप? तो शायद मुझे लग रहा है कि 19 से हमें लगातार हमारे धरने को देख ही रही हैं, और इसी देहरादून से मतलब रणभूमि, मैं तो इसको लोग देवभूमि बोलते हैं, मैं इसको रणभूमि बोलती हूँ, आंगनबाड़ी को रणभूमि बन गई है। जैसे एक कुरुक्षेत्र बना था, हमारा कुरुक्षेत्र यही बन गया, तो उस कुरुक्षेत्र बोलूँगी आज की डेट पर, आज जो हमने जिस तरह महिलाओं के साथ इन्होंने किया है, एक तरफ जब आंदोलन करते हैं, कभी हम 2-2 बजे रात तक हम हाथी बड़खला में रहते हैं, तब कोई देखने नहीं आता, फिर उसके बावजूद इस समय धामी जी ने उम्मीद जगी थी हमारी युवा वर्ग के, चलो भाई हमारे समकक्ष हैं, हम लोग एक ही सोच रखते हैं, इन्होंने हमें बुलाया, बड़ी खुशी इन्होंने हमारी वार्ता सुनी, उसका इन्होंने कहा कि हम तुम्हारा मानदेय तुरंत ही बढ़ा देंगे, कटा हुआ मानदेय तुम्हारा दे देंगे। हम खुशी खुशी बाहर आ गए, धरना स्थगित हुआ, पहली कैबिनेट चली गई, उस तुरंत धामी जी के बाद हमारी मंत्री जी हमें बुलाती हैं, आ जाइए, मंत्री जी वहाँ बुलाती हैं, पहली बात मंत्री जी बहुत अच्छी बात है, मंत्री जी ने बैठक रखी, बहुत अच्छी बात है, महिला हमारी मंत्री है, महिला सशक्तिकरण बाल विकास की मंत्री है, ऐसा भी नहीं कोई छोटी मोटी हस्ती, उनके लिए महिला सशक्तिकरण के अंदर के लिए आंगनबाड़ी नहीं आती है, बहुत सारे समूह हो गए, तमाम महिलाएं जितनी भी है वो सब महिला सशक्तिकरण के अंदर आती हैं, बेटी छोटी बड़ी जो भी होती, लेकिन उसमें क्या होता है, चलो आंगनबाड़ी की बात आई तो सबसे पहले मैडम के मुँह से क्या बात आती है कि आप यहाँ पे कितने संगठन हैं, सबसे पहली बात आती है, मुझे बड़ा अफसोस लगा, इतनी बड़ी मंत्री वो हमसे ये पूछ रही है तुम्हारे संगठन कितने, ठीक है विरोधाभास हम में होगा ना, हमारी बहनों में हो सकता है मतभेद हो, मतभेद हो सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकता है, हमारे विचार नहीं मिल रहे, लेकिन समस्याओं का मतभेद तो नहीं है, समस्याएं तो वही है मैडम के पास, हम क्यों समस्या अपने मतभेदों को लेकर थोड़ी नहीं गए थे, हम अपनी वहाँ पे गए थे अपने मानदेय को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर, तो मैडम की हमारी समस्या एक थे भी तो हम एक हुए थे, मैडम हमारी समस्याएं पूछती, लेकिन नहीं मैडम ने सबसे पहली चाल चली कि आप कितने संगठन की, सबसे पहले इनके बीच में विभाजन हो जाए, ठीक है सब लड़कियों ने जो हमारी बहनें थी उन्होंने फटाफट करके किसने CITU बोल दिया, किसने इनटेक बोल दिया, किसने BMS बोल दिया, बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारी बहनें उनसे जुड़ी हुई हैं तो स्वाभाविक वो बोलेंगी, क्योंकि सीधी सादी बहनें, मैं किसी का विरोध नहीं करती, ठीक है। उसके बाद मैडम ने मुझे पूछा कि आप, क्योंकि मैं जो हमारा संगठन है हम किसी से रजिस्टर्ड नहीं है, हम CITU से हैं, आपको पता है CITU कम्युनिस्ट है और इनटेक कांग्रेस की शाखा है, BMS भारतीय मजदूर संघ उसकी शाखा है, BJP की, अलग अलग संगठन सब हमारा। मैडम मुझे पूछती है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, मैडम भूल गई है शायद, मैंने मैडम से ही बोला, मैंने कहा मैडम मैं इस संगठन से हूँ, ये मेरा नाम है, और उसके बावजूद मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर हमें दिया जाता है, हमारा रजिस्ट्रेशन एक फोन दिया गया, उसमें हमारा केंद्र का पूरा एड्रेस होता है, उसमें हमारे उसका लिखा रहता है कि ये एड्रेस है, हमारा कोड है, सब कुछ लिखा रहता है उसमें नंबर, वो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। मैडम भूल गई कि मैं क्या पूछ रही हूँ, मंत्री हमारी वो भूल गई, वो मुझसे पूछती है कि जिस ये वाला फोन देखिए आप लोग, ये हमारा विभागीय फोन है और इस पे देखिए आप गौर से, इस पे हमारा पूरा केंद्र का नाम पूरा हमारा बायोडाटा इसमें लिखा रहता है, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन इसलिए कि तभी हमें फोन दिए गए, इसी नाम पे हमें फोन दिए गए हमारी पूर्व। और मैडम मुझे कहती हैं कि आप बताइए आपका रजिस्ट्रेशन क्या है, ठीक। तो मैंने मैडम से, क्योंकि मैं सच में इस नंबर को भूल गई थी, काफी लंबा नंबर होता है, तो इस नंबर को भूलने में मैडम मेरे को ये नंबर याद नहीं, मैं आपको जैसे आएगा व्हाट्सएप कर दूंगी, ठीक है। ये हमारी बहनों को गुमराह करने वाली बात है। दूसरी बात, मैडम ने हमारी समस्या को सुनते हुए हमें, चलो ये बात भी हटी, हमारी बीच में कुछ मैंने कहा ना वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन मन के मतभेद नहीं है, ना ही हमारी समस्याओं के मतभेद, बिल्कुल हमारा पूरा संगठन आज भी हमारे साथ है, ये नहीं है मैंने कहा ना कुछ बहने के कहीं कोई हमारा ब्लड रिलेशन नहीं, लेकिन एक हमारा संगठनात्मक रिलेशन जरूर है सबसे, हमारा कोई द्वेष भावना नहीं है और हम एक ही उसके लिए रुके हैं। उसके बावजूद मैडम हमें बोलती कि आपका एक सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा, ठीक है, मजदूर से ऊपर रखा जाएगा। तो ठीक है, हमने मजदूर कितना होता है, मजदूर कम से कम 10-12 हज़ार तो कमाई लेते हैं, इससे ज़्यादा कमाता है, तो हमें उम्मीद है कि कम से कम 18 हज़ार के मांग करेगा, मैडम ने बोला है तो 15 हज़ार हमारा मानदेय होगा ही, मजदूर से ज़्यादा होगा, जब मैडम के शब्द है ये कि आपको मजदूर से ऊपर रखा जाएगा, तो हम उन शब्दों के लेकर आज यहाँ पे हमारा एक कैबिनेट वो भी गई, ये भी गई, आज हम पूरे प्रदेश की महिलाएं यहाँ पे आई थी और हमने बड़े उम्मीद से हमने सुबह अपने व्रत सब बहनों का व्रत है आज काली माँ का, और हमने जैन धर्म फूलों गुलदस्ता, हमने डिप्टी डायरेक्टर तक के लिए भी, उन्हें निदेशक सचिव के लिए भी गुलदस्ते लिए थे कि आज हम लोग सब जगह जाएंगे और सबको मिठाई भी बांटेंगे। मैंने अभी वहाँ पे सुबह तो जो प्रिंस चौहान को मिठाई का ऑर्डर भी दिया है,
कि हमें मिठाई इतनी हम लोग ले लेंगे लड्डू लड्डू जो भी होगा, लेकिन जैसे ही कैबिनेट का फैसला आता हमने मोबाइल में देखा तो हमारा कहीं भी नाम नहीं रहता। तो हमने तत्काल से अपने उठे और हम सीएम आवास पहुँचे। सीएम आवास पहुँचते ही हम लोगों ने अंदर सूचना दी कि मैंने पहले भी रजिस्ट्रेशन करवाया था कि हम लोग मिलना चाहते, लेकिन हमें टाइम नहीं दिया गया। लेकिन आज जैसे मैं अंदर गई, मैंने अपनी बात करवाई, तो जैसे कोई आतंकवादी, किसी आतंकवादी ने हमला कर दिया हो, इस तरह की गतिविधि में सारा पुलिस प्रशासन हम पे ऐसे झुंड बना के खड़ा हो गया कि आप क्यों आए यहाँ, किस कैसे आ गए, अपने प्रोटोकॉल कौन से तोड़ दिया। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, मैं कौन सा प्रोटोकॉल तोड़ा है, क्या कर दिया हमने ऐसा, कौन सा कि बम गिरा दिया किसी को, किसी का मर्डर कर दिया, हम वहाँ पर गए उन्होंने बैठो, हम बैठ के बाहर खड़े, और हमने कोई सरंजाम नहीं करी, हम साइड में बैठ गए वहाँ पे। उन्होंने कहा तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारा आंदोलन कर रहे हैं, हमने आंदोलन ही हम सीएम साहब से मिलना चाहते हैं। उनके ओएसडी आते हैं वहाँ पे, बोलते हैं आपको आप मांग पत्र दीजिए। मैंने कौन सा मांग पत्र देना, मांग पत्र तो कैबिनेट में जा चुका है हमारा। हमारे आज मैं खुद बताना चाहूंगी, अभी मुझे खबर आई है कि हमारा प्रस्ताव भी कैबिनेट में गया था, आज गया था लेकिन उस पर जो कैबिनेट में जो हमारे बना सकते हैं, नहीं क्या बताया आपने, आज हमारा कैबिनेट जो हमारा प्रस्ताव हमें जो विभाग से होता है वो हमारा कैबिनेट में गया था। ठीक, कैबिनेट में जा रखा है क्योंकि हमारी, मुझे सुनने में आया भी और उस पर हमारी बहस भी हुई थी, लेकिन कुछ ऐसे मानदेय वित्त को लेकर, पैसा बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, कम बढ़ाना है, ज़्यादा बढ़ाना है, उसको लेकर इनमें आपस में ही कुछ ऐसी वार्ताएँ चली अंदर कि जो सीधे उन्होंने ये उसका सीएम साहब को उसका क्या कर दिया है, अधिकृत कर दिया कि सीएम साहब इसको बढ़ाएंगे। अच्छा, तो सीएम पुष्कर धामी के हाथ में है, हाँ मतलब उनके हाथ में अगर चाहे तो कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। और उन्होंने ये क्या कर दिया कि जब वो कैबिनेट से भाईल उठ के हमारे विभाग ने पूरे बना के दे दिया इतना बढ़ाना है, उसके बावजूद हमारे जब मंत्री जी भी वहाँ थी, हमारे मुख्यमंत्री वहाँ थे, तो अधिकृत करने का मतलब क्या था, अगर बढ़ाना तो अधिकृत हो गए, अभी भी घोषणा कर दे। बिल्कुल नहीं, और ये केंद्रीयकरण करने का क्या मतलब है कि जो मुख्यमंत्री है वो डिसाइड करेगा, जब मंत्री हैं आपकी और वो भी कह रही हैं और सबको डिसाइड कर रहे हैं, तो डिसाइड कर सकते हैं, तो बिल्कुल, तो उन्होंने अधिकृत कर दिया, तो अधिकृत का मतलब मैं समझी नहीं है कि फिर इसमें भी कोई दोहरी चाल है आपको बुलाएंगे, फिर एक पत्रकार महोदय के माध्यम से आपको बरगलाएंगे, आपको कहेंगे इस गलती से भी इन बातों में मत आइएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ, मुझे पता है कि इन्होंने पंडा पुरोहितों को कैसे बेवकूफ बनाया है, तो आप लोग भी सावधान इसमें जरूर रहिएगा। तो यही बात अभी आई है और आज हमें यहाँ पे पुलिस प्रशासन यहाँ पे खींच के खसीटते हुए यहाँ पे लाया है। अब बताइए ये कौन सी जगह है, मैं तो खुद नहीं जानती क्योंकि ये इसमें डेवलपमेंट भी हुआ है, मुझे नहीं पता। ये कह रहे पुलिस लाइन है, ये पुलिस आई थी, आपको कोई पुलिस नहीं दिख रही होगी, आगे पीछे छोड़ के चली गई थी महिलाओं को, इन्होंने हमसे कागज भरवाए। मैं ये बोलना चाहूंगी, ठीक है शांति भंग, हमने कौन सी शांति भंग करी, आंदोलन हमने किया नहीं, रोड हमने जाम नहीं करी, हम अपने मुख्यमंत्री से मिलके, हमारे मुख्यमंत्री नहीं है क्या, वहाँ के जो प्रतिनिधि आज हमारे विधायक है वो हमसे मिलना नहीं चाहेंगे, वोट के लिए कैसे मिलने आते, उन्होंने यहाँ छोड़ दिया हमको। अब यहाँ से बताइए यहाँ से कहाँ जाएंगे, ये पिथौरागढ़ की है, कोई चंपावत की, कहाँ जाएंगी, मैं इनके साथ मैं पौड़ी से वो अभी आ रखी हूँ, हम कहाँ जाएंगे, नहीं खाने के लिए हमने चाय पानी सुबह से कुछ नहीं खाया, उसके बावजूद ये बोलते हैं कि तुम लोग, मतलब हम लोगों के लिए, कि अगर तुम लोग यहाँ से कहीं जाते हो तो तुम्हें पुलिस प्रशासन बोलता है तो हम तुम्हें दोबारा केस करके तुम्हें सिद्धू वाला जेल भेज देंगे, और अगर तुम वहाँ जाने की कोशिश, धमका के चली गई पुलिस, आप देखिए कहीं पुलिस नहीं है, अब किस तरह से हम लोग नहीं, पुलिस वाले आपको धमका के क्या गए हैं कि अगर आपने, फिर हमने कहा हम फिर सीएम आवास जाएंगे यहाँ, तो उन्होंने कहा तुम फिर सीएम आवास जाओगे तो फिर हम तुमको सिद्धू वाला जेल भेजेंगे, तुम्हें केस दायर 14 दिन की हिरासत में तुम वहाँ के लिए बोला। तो अब हम ये बताइए कि हम यहाँ बैठे हुए हैं और आज हमने अपना जस्टिस किससे मांगना है, वो पुलिस वाले कह रहे तुम 14 दिन के लिए वहाँ जाओगे, सीएम साहब मिलने के लिए तैयार नहीं है, और माननीय मंत्री जी तो पता नहीं वो नजर, मतलब वो इतने इम्पोर्टेंट हो गए हैं कि वो किसी से मिलेंगे नहीं। जनप्रतिनिधि क्यों बोलते हैं फिर हम उनको, फिर यही तो हम पूछ रहे हैं कि हम किसके पास जाए, और अब यही हमारा आसरा है, पता नहीं कहाँ हम जाए, किससे हम अपना, आज आज जो महिलाएं आई हैं पूरे राज्य से जो आई हैं वो आपकी कार्यकारिणी की सदस्य है, हमारी कार्यकारिणी जी, तो चलिए अब तो यही है कि उम्मीद करते हैं कि मतलब कोई तो सुने, वरना सरकार तो जाएगी, लेकिन आज अगर ये सुन लें और आज किसी तरीके से आपकी तरफ हाथ बढ़ा दे तो बेहतर होगा, वरना मैं सरकार को ये ज़रूर कहना चाहती हूँ और चेताना चाहती हूँ कि अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है तो ये समझ लीजिए कि मातृशक्ति उत्तराखंड की अगर यहाँ पे बैठी हुई है तो आपको सज़ा अवश्य मिलेगी। मातृशक्ति को आपने पटक दिया है यहाँ पर, यहाँ पे आसपास कोई नहीं है, अगर कोई बात हो जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ये बताइए कि जिम्मेदारी किसकी होगी। ये महिलाएं जो हैं ये आई हैं अलग अलग हिस्सों से,
उत्तराखंड के दूर दराज के हिस्सों से आई ये महिलाएं आखिर ये किससे उम्मीद करें। इन्हें उम्मीद थी आपसे, आपके लिए फूलों का गुलदस्ता भी लाई थी। आज ये पता चल रहा है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि राज्य में क्या हो रहा है, क्योंकि आप कठपुतली सरकार है, गुलाम है मोदी जी के। जो मोदी जी कहेंगे वो आपको करना है। आपको अपनी सत्ता की इसलिए संभालने की कोशिश करनी है क्योंकि मोदी जी को सत्ता में बने रहना है। मगर मातृशक्ति को आप आज सड़कों पर लाए हैं, इसकी सज़ा आपको मिलेगी। धामी जी को मिलेगी, मोदी जी को मिलेगी, आप सबको मिलेगी। इसलिए मिलेगी क्योंकि बड़ी बातें आप कर रहे हैं, गिरफ्तार करते हैं आप महिलाओं को, उनके साथ धक्का मुक्की करते हैं। एक महिला जिनको 15 टांके लगे हुए हैं, उनके हाथों में नील पड़ गए हैं, मगर आपकी सरकार कहाँ सोई है। आपकी पुलिस महिलाओं के साथ अभद्रता करती है, आपकी पुलिस महिलाओं को यहाँ फेंक कर चली जाती है। इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी मुख्यमंत्री। उत्तराखंड प्रचंड बहुमत की सरकार 57 से शुरू हुई, 58 पे गई और अब 55 तक पहुंचने वाली है, और फिर रास्ता केवल नीचे की ओर जाएगा और आपका समय समाप्त हो गया है। जो पत्रकार मेरी बहनों को बरगलाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आपने पंडा पुरोहितों को भी बरगलाया, बेवकूफ़ बनाया, उनके आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करी, उस पत्रकार को ये ज़रूर कह दूं कि एक गंदी घटिया राजनीति तुम्हारी नहीं चाहिए उत्तराखंड को। दो दो सरकार गिराने की कोशिश करी पत्रकार महोदय, मगर उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी, आज नहीं तो कल। इंतज़ार करना, अपनी गंदी घटिया राजनीति तुम कर चुके, अपनी गंदी घटिया ब्लैकमेलिंग वाली पत्रकारिता भी तुम कर चुके। अब हम भी तैयार हैं और हर एक को बताएंगे कि तुम लोगों के आंदोलन को इसलिए तोड़ते हो क्योंकि तुम कहते हो कि मैं वापस आ गया, वापस आए हो और तुम्हें भी यहाँ से निकाला जाएगा। ये चेतावनी है मेरी। धामी जी के आसपास मंडराओ कोई बात नहीं, लेकिन खबरदार जो किसी के भी आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करी। मुख्यमंत्री जी, ये आपको दिख रही है जगह, मैं आपको पुलिस लाइन दिखा रही हूँ, शायद आपने देखा नहीं होगा, बहुत समय हो गया ना, आप लोग सत्ता में हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके विरुद्ध आवाज़ उठा रहा है, इसलिए महिलाओं को यहाँ पे फेंक कर आप चले गए। मातृशक्ति का अपमान नहीं भूलेगा उत्तराखंड, और अब आपकी सरकार इसी कारण से जाएगी। तीर्थ पुरोहितों का आपने सुन लिया, वो आपको क्या कह रहे हैं, आपको बद्दुआ देते हैं। आज महिलाएं आपको बद्दुआ दे रही हैं, ये राज्य आपके लिए नहीं बना। अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं, शर्म नहीं आती? आप अपने पिताजी के बारे में बताकर ये कहते हैं कि मेरे पिताजी सेना में थे, तो जो सेना में था उनकी तो सम्मान करना चाहिए आपको। अगर कोई सैनिक है उनका बेटा ऐसे कैसे कर सकता, मैं सोच नहीं सकती। जो सैनिक का बेटा होगा उस सैनिक के दिल पे क्या गुजरती होगी जब वो देखता होगा कि उसका बेटा एक ऐसी जगह पे बैठा है जहां वो लोगों के लिए कार्य कर सकता है। लेकिन उनको कैसा लगता होगा ये देखकर कि उनका बेटा महिलाओं के साथ ऐसी अभद्रता कर रहा है, उनके साथ इस तरह। आप सभी से निवेदन है कि फेसबुक ने रोक लगाई हुई है मेरी वीडियोस पर, क्योंकि ये सरकार आवाज़ दबाने की कोशिश में लगी है। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि इन बहनों की आवाज़ उन लोगों तक पहुँचे जो निर्दयी भी हैं, मक्कार भी हैं और सत्ता में रहने के लायक नहीं है। उत्तराखंड की जनता समझ ले कि ये वो सरकार है जिन्हें सत्ता से उखाड़ कर फेंकने की आवश्यकता है और समय भी आ गया है। अब की बार नहीं चाहिए ऐसी निकम्मी मक्कार सरकार। इस बार जो लोग रेखा आर्या को चुनते हैं उन लोगों को भी कहना चाहती हूँ, कम से कम अब की बार महिलाओं के हालतों को देखिए, किस जगह पे उठाकर फेंक दिया रेखा आर्या ने।
एक पार्टी से दूसरी पार्टी में सिर्फ सत्ता के लालच में। और ऐसी मंत्री को आप अगर दोबारा विधायक चुनते हैं तो केवल आपका भी शोषण हो सकता है, हो सकता नहीं होगा। ये महिलाएं कह रही हैं कि उनका शोषण कर रही हैं मंत्री रेखा आर्य। अगर आप सुन सकती हैं तो कम से कम अष्टमी के दिन इन तक पहुंचिए, वार्ता करिए और समाधान ढूंढिए। कम से कम अष्टमी के दिन बद्दुआ मत लीजिए। साथियों, दोबारा आपसे मुलाकात होगी, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।